हेलो फ्रेंड्स, आपका आज का टॉपिक है वेयर इज इट, जिसका मतलब होता है ये कहाँ है। आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि ये कहाँ है कौन सा टॉपिक हो सकता है, मगर किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए आपको उसकी पोजीशन के बारे में पता होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप किसी भी चीज के बारे में ये नहीं जानते कि ये कहाँ रखी हुई है या ये कहाँ पर है, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप किस किस्म के वर्ड्स का इस्तेमाल अपने सेंटेंसेस में करें। आज जो हम वर्ड्स लेने वाले हैं वो है इन, ऑन, अंडर। ये इसका मतलब होता है अंदर, किसी भी चीज के अंदर होना, ऑन मतलब किसी भी चीज के ऊपर होना, और अंडर का मतलब है किसी भी चीज के नीचे होना। हम एक एक करके इन तीनों शब्दों का प्रयोग देखते हैं और मुझे आशा है कि आप इन चीजों को, इन वर्ड्स को जब अपनी भाषा में रोज की जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे तो आप इसका डिफरेंस समझ जाएंगे, ये किस तरह से इस्तेमाल होते हैं आपको पता चल जाएगा। राखी और ऋषि, आप ध्यान दीजिए और मुझे ये बताइए, अगर कोई भी किताब, जैसे ये किताब आप देख रहे हैं चित्र में, ये किताब बैग के अंदर रखी हुई है। मैंने बताया अंदर के लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं, इन, इन का प्रयोग करते हैं। तो हम कैसे कहेंगे इसको, बुक इज इन द बैग, इन द बैग, वेरी गुड, बुक इज इन द बैग। अब ये तो हो गया अंदर, किताब बैग के अंदर है। एक आप आदमी को देख रहे हैं, बैठा हुआ है वो टेबल के ऊपर, ऑन। जब भी कोई चीज ऊपर है तो हम कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं, ऑन। अब आप इसको कैसे, ये सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, द मैन इज सिटिंग ऑन द टेबल, या इसको कह सकते हैं छोटी सी बेंच भी है कह सकते हैं, ऑन द, उसके ऊपर बैठा हुआ है। और ये बिल्ली कहाँ है, ये अंदर है क्या टेबल के, ये कहाँ पर है, नीचे है। नीचे शब्द का जब हमें प्रयोग करना होता है तो हम कौन सा, इंग्लिश का कौन सा शब्द यूज करते हैं, अंडर। तो इसको कैसे कहेंगे, अंडर द टेबल, वेरी गुड। अब हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाते हैं, ये देखो, ये देख रहे क्या है अंदर, वॉटर इज इन द ग्लास, वेरी गुड, पानी ग्लास के अंदर है। और अब ये देखिए, ग्लास इज ऑन द टेबल, ग्लास इज ऑन द टेबल। इसी तरह से आप ये भी देख सकते हैं, एक किताब है, ठीक है, ये कहाँ पर रखी हुई है, द बुक इज ऑन द टेबल। और अगर हम ये कह दें तो द बुक इज लाइंग अंडर द टेबल। बुक जो है, किताब जो है, वो टेबल के नीचे पड़ी हुई है, ठीक है। वैसे किताब को नीचे कभी नहीं रखते हैं, है ना। अच्छा, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको और दूंगी, ये पर्स है, द पर्स इज कहां पर, द पर्स इज ऑन द टेबल। और द पेपर इज ऑन द पर्स। दोनों चीज गलत, ऑन भी नहीं है, ऑन किसके लिए होता है, ऑन होता है, अगर ऑन होता तो ये ऑन द पर्स होता, मतलब ऊपर होता, पर्स इन, वेट, और अंडर मतलब पेपर नीचे। ये दोनों चीज नहीं थी, ये कहां पर था, द पेपर इज इन द पर्स। आपने देखा बेटा, डिफरेंस देखा कि ऐसे ही। अब आप दूसरा एग्जांपल लीजिए, ये एक पेन है, पापा को देखा है कभी यहाँ पर पेन लगाते हुए, तो क्या बोलेंगे हम लोग, द पेन इज इन द पॉकेट, वेरी गुड। और ये क्या है, द मंकी, नहीं ये क्या है पहले बताइए मुझे, मंकी है monkey. और ये क्या है, हाउस बना हुआ है ना, तो द मंकी इज ऑन द हाउस, वेरी गुड। अब ये क्या है, ये द रूट, जो जड़े होती ना, जड़े जो रूट्स जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, वो जमीन के ऊपर होती हैं, नीचे होती है ना, तो नीचे के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, अंडर, वेरी गुड, द रूट अंडर द अर्थ। बेटा अर्थ, ये जमीन है ना, yes. इसके नीचे हैं ये जड़े। वैसे ये प्लूरल में आ जाता है, रूट्स कहेंगे, ये एक सिंगल नहीं है, बहुत सारी जड़े दिख रही है ना, ये देखो कितनी सारी, तो ये रूट्स आर अंडर द अर्थ। अच्छा, अब ये क्या है,
ये कौन है? द गर्ल. नहीं, ये बताइए, ये पहले बताइए कौन है? गर्ल. गर्ल है ना. आप कैसे इसको बोलेंगे? द गर्ल इज इन द रूम. इन द रूम, वेरी गुड. ये क्या है? ये क्लॉक. क्लॉक, क्लॉक है ना, एक घड़ी लगी होती है दीवार के ऊपर. और कोई चीज ऊपर होती है तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ऑन. द क्लॉक इज ऑन द वॉल. ऑन द वॉल. वॉल, वेरी गुड. ये क्या है? द काऊ. ये क्या है? काऊ है ना, काऊ. ये कहाँ बैठी हुई है? पेड़ के नीचे. पेड़ के नीचे बैठी हुई है ना. नीचे मतलब क्या, पेड़ ऊपर है उसके तो नीचे. और इसके नीचे कैसे क्यों बैठी? ये इसकी क्या ले रही है, क्या फायदा है इसको यहाँ इसके नीचे बैठने? छाया. छाया. तो इंग्लिश में जब हम कहेंगे, हम ये नहीं, सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि अंडर द ट्री. द काउ इज सिटिंग अंडर द ट्री. शेड भी लगाते हैं बेटा. शेड, शेड होती है ना, छाव जिसको कहते हैं. द काउ इज अंडर सिटिंग अंडर द शेड ऑफ द ट्री. ठीक है. अब आपको जब ये सारे शब्दों का प्रयोग अपनी रोज की जिंदगी में करना हो तब आप क्या करेंगे? अब मुझे जल्दी से बताइए, ऋषि आप बताइएगा कि राखी कहाँ बैठी हुई है? राखी को देख के बताइए, राखी कहाँ बैठी है? राखी इज सिटिंग ऑन अ स्टूल. ऑन अ स्टूल, वेरी गुड. और मैम कहाँ बैठी हुई है? मैम इज सिटिंग ऑन द चेयर. आपको समझ में आ गया, कोई भी चीज ऊपर है तो क्या होगा, किस शब्द का प्रयोग होगा? ऑन. ऑन. कोई भी चीज अंदर है? इन. पेपर इज इन द पर्स. और कोई भी चीज नीचे है तो अंडर. अब आप बताइए ये स्टिक कहाँ पर रखी हुई है? द स्टिक इज अंडर द टेबल. बेटा अंग्रेजी आपके लिए थोड़ी सी नई सी एक भाषा है, मगर इतनी मुश्किल नहीं है. अगर आप इसका प्रयोग रोज की जिंदगी में करें, आप छोटी छोटी सी चीजों को देखिएगा कि मम्मी ने कोई टिफिन में सपोज मिठाई रखी है ना, तो आप क्या बोलोगे? मम्मी ने मिठाई कहाँ रखी हुई है? टिफिन में. टिफिन के अंदर होगा ना, अंदर है. तो आप क्या बोलेंगे? जैसे आप अपने फ्रेंड को बता रहे हो, सपोज राखी अपने ऋषि को बताएगी, तो मम्मी ने जो मिठाई है वो टिफिन के अंदर रख के दी है, तो आप क्या कहोगे? द स्वीट इज अंडर इन द टिफिन. अंडर बेटा, अंडर तो नीचे होता है, ठीक है. और सपोज आपकी दो चार छह किताबें, बहुत सारी किताबें रखी हुई है. जब आप दो बच्चे स्कूल में आपस में बातें करते हो तो आप कह सकते हो ना कि माय पेन इज अंडर. अंदर, अंदर है कोई चीज. आपका पेंसिल बॉक्स होता है, आप लोग जब क्लास में जाते हो पेंसिल बॉक्स लेके जाते हो ना सब कोई, और पेंसिल बॉक्स किसके अंदर होता है? बैग के अंदर होता है. सो द पेंसिल बॉक्स इज इन द बैग. वेरी गुड. ऐसे छोटी छोटी सी चीजें आप रोज अपनी लाइफ में देखते हो ना, रोज होता रहता है. रोज आप बैग भी ले जाते हो, रोज पेंसिल भी उसमें रख के ले जाते हो, पेंसिल बॉक्स भी ले जाते हो. कोशिश करो धीरे धीरे इन वाक्यों को, इन सेंटेंसेस को अपनी रोज की लाइफ में, रोज की जिंदगी में इनका प्रयोग करने की. कोई भी बहुत डिफिकल्ट चीजें नहीं है ये, बट क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते, और हम हमेशा आपसे कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. प्रैक्टिस करने से आपको हर चीज में परफेक्शन हासिल होगा. अगर आप ये सोचें कि एक दिन की आज की क्लास के बाद आपको इज, ऑन और अंडर का, आपको इन, ऑन और अंडर का सारा कुछ समझ में एक दिन में आ जाए, ऐसे नहीं होता है. आपको इसको रोज अपनी जिंदगी में यूज करना चाहिए, इन वर्ड्स का रोज प्रयोग करना चाहिए. आप लोग आज से करेंगे? यस मैम. तो जब नेक्स्ट टाइम हम आएंगे आपको पढ़ाने के लिए, तो आप इसके सेंटेंसेस बना के मुझे और अच्छे अच्छे बताओगे. अच्छा, अभी एक एक सेंटेंस में और पूछ लूं, एक राखी से पूछ लूं. राखी मुझे अंडर से एक सेंटेंस बना के बताइए. कोई भी चीज देखो, इतनी सारी चीजें मैंने आपको अभी भी दिखाई है ना, इनमें से कोई भी चीज बताइए. द डॉग इज अंडर द टेबल. द डॉग इज सिटिंग अंडर द टेबल, वेरी गुड. ऋषि, अब मैं एक सेंटेंस बोलूंगी, आपको उसको फिल इन द ब्लैंक्स करना है. फिल इन द ब्लैंक्स होता है ना, वो शब्द को डालना है. ओके, द स्टिक इज डैश द टेबल. Dash the table. The stick is
डैश द टेबल इन द टेबल नो बेटा इट इज ऑन द टेबल ऑन द टेबल वेरी गुड और आज का आपका जो विषय था जो टॉपिक था वो था वेयर इज इट एक सिंगुलर फॉर्म में होता है सिर्फ एक वचन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो हमारा अगला कार्यक्रम होगा वो होगा वेयर आर दे मतलब बहुवचन के लिए जो चीजें होंगी आज आपने जितनी भी चीजें देखी सब एक वचन में थी सिंगुलर फॉर्म में थी जो हमारा नेक्स्ट कार्यक्रम होगा उसमें हम आपको प्लूरल यानी कि बहुवचन वाले शब्दों का प्रयोग सिखाएंगे